फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. विद दिस क्वेश्चन क्या हुआ, देर आर टू 4-bit टैग्स आर गिवन, वन 4-bit टैग एंड टू 1-2-bit टैग इज गिवन. ही वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ 6-bit टैग, यानी ये पूरा सर्किट को एक 6-bit टैग जैसा बनाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू मेक दिस एंटायर सर्किट एज अ 6-bit DAC. ठीक है, फर्स्ट वी शुड नो, एंड सो बेसिकली ही इज गिविंग द सेम VR. तो VR देने का क्या मतलब हुआ, वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेम VR? नाउ लेट अस सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग द सेम VR. एंड इज क्लियरली टेलिंग इट्स अ R टू R टैग. ठीक है, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट. सबसे पहले फर्स्ट लेट्स टेक द 4-bit टैग. ठीक है, इन द 4-bit टैग वी नो दैट ओके अवर VDAC, लेट्स से VDAC 1. ठीक है, यहाँ का आउटपुट मान लीजिए इज बेसिकली VDAC 1. लेट्स से द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम इज VDAC 1. ठीक है, इसका आउटपुट मान लेते हैं इट्स बेसिकली VDAC 2. ठीक है, सो VDAC 1 इज इक्वल टू एंड VR by 2 power 4, ओके, VR by 2 power 4 into, सो वॉट आर द इनपुट्स नाउ टेल मी, B5, B4, B3, B2, दीज आर द इनपुट्स. ठीक है, सो हियर B5 into, ओके, 2 power 3 प्लस B4 into 2 square प्लस B3 into 2 power 1 प्लस दिस इज B2 into, ओके, 2 power 0. ठीक है, now similarly for when we take the 2-bit tag circuit, okay, our VDAC 2 is equal to VR by 2 square, okay, into, so what are the inputs to this tag, bataiye kya kya inputs hai isme, B1 or B0 hai. Theek hai, so it's basically B1 into 2 power 1 plus this is B0 into 2 power 0, okay. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे दिस VDAC 1 इज मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट कॉल W1, यानी ये एक अलग DAC है. ठीक है, दोनों में सेम VR जा रहा है, सो बेसिकली दिस इज वन सेपरेट, दिस इज वन VDAC 1, VDAC 2, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है, यानी यू कैन जस्ट थिंक देम एज एम्पलीफायर्स. सो द आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का आउटपुट होगा W1 इंटू VDAC 1, ओके, यहाँ का आउटपुट होगा W2 इंटू VDAC 2, ओके, सो विच शुड बी इक्वल टू VOUT, विच इज नथिंग बट अ 6-bit DAC, ये 6-bit DAC के बराबर होना चाहिए, सो इट शुड बी इक्वल टू 6-bit DAC. ठीक है, यानी सो ना अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वॉट इज हैपनिंग, सो W1 इंटू VDAC 1 VDAC 1 प्लस दिस इज W2 इंटू VDAC 2 शुड बी इक्वल टू और VOUT. ये है इक्वेशन. क्वेश्चन में एक और बार रिपीट करता हूँ, देखिए क्या है, क्या पूछ क्या रहा है, वॉट इज ही आस्किंग, ये 6-bit DAC बनाना चाहता है. पॉइंट नंबर 1, ही इज ट्राइंग टू मेक अ 6-bit DAC. सो वॉट इज ही यूजिंग, ही इज यूजिंग अ 4-bit DAC एंड अ 2-bit DAC. सो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है इसमें, वॉट इज इंटरेस्टिंग थिंग हियर, दोनों में ही इज गिविंग द सेम VR, ही इज गिविंग द सेम VR कनेक्शन इन बोथ ऑफ दम. ओके, नाउ ट्रीट दिस सेपरेटली, यू फर्स्ट कैलकुलेट द VDAC 1. Similarly calculate the VDAC 2. Understood? Similarly calculate the VDAC 2. Now this output of VDAC 1 is multiplied by a constant W1. And this output of the VDAC is, this output of the DAC is multiplied by a constant called W2. And that's what you're getting. And दोनों को सम कर रहा है. ठीक है? So now, so ये हुआ. So मैंने पहले VDAC 1 निकाला. Next उसके बाद VDAC 2 निकाला. So W1 into VDAC 1 plus W2 into VDAC 2 equal to VOUT. ठीक है? Now 6-bit DAC का equation क्या होना चाहिए? ये सब हो गया. In general, 6-bit DAC का इक्वेशन क्या होना चाहिए? In general, what should be the 6-bit DAC equation बताइए. Okay, 6-bit DAC R to R का हर का हम लेते हैं. So, what should be the equation for this? ठीक है? So, इसका इक्वेशन होना चाहिए VOUT is equal to, ठीक है, VOUT equal to VR by 2 power 6 into 2 power 5 B5, 2 power 5 B5 plus this is, okay, 2 power 4 B4 plus 2 power 3 B3 plus this is 2 square B2 प्लस 2 पावर 1 B1 प्लस दिस इज 2 पावर 0 B0. ये होना चाहिए था. ठीक है, सो नाउ दिस इज आउट माई VOUT इक्वेशन. दोनों को इक्वेट करते हैं, सिंपल, बहुत ही आसान है बेसिकली. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ 6-bit DAC. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ 6-bit DAC यूजिंग 4-bit DAC एंड 2-bit DAC. सो 6-bit, तो दोनों को इक्वेट करते हैं. चलो इक्वेट करके देखते हैं क्या होता है. ओके, सो लेट्स, सो आवर, सो आई विल राइट इट लाइक दिस. ठीक है, सो ये वी आर बाई 2 पावर 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस वी आर बाई 2 पावर 6 इन साइड, सो दट कैंसिल इन ईजी हो जाएगा. ओके, सो नो लेट्स सी, सो वी आर बाई 2 पावर 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो VR B5, ओके, VR B5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा. ओके, VR B5 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2 पावर 6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी VR B5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, प्लस के VR B4 के डिवाइडेड बाई 4, ये ऐसा आएगा. ठीक है, बिकॉज मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, जस्ट मल्टीप्लाइंग. ठीक है, सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इन साइड, 2 पावर 4 बाई 2 पावर 6, 2 पावर 4 बाई 2 पावर 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा. तो इफ आई जस्ट डू इट लाइक दिस, सो आई एम गोइंग टू गेट VR B3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस दिस इज VR
ओके बी टू डिवाइडेड बाई 16 प्लस के वी आर बी वन डिवाइडेड बाई 32 ओके प्लस दिस इज वी आर बी जीरो डिवाइडेड बाई 64 ऐसा क्यों कर रहा हूँ इजिली टर्म बाई टर्म कंपेयर कर सकते हैं इजिली टर्म बाई टर्म कंपेयर कर सकते हैं सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज डब्ल्यू वन इंटू वी डैक वन सो इस पूरा वी डैक वन को हम क्या करेंगे डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे लेट्स मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू वन अब वैसे भी मैं क्या करूँगा 2 power 4 का अंदर लेके जाऊंगा आई जस्ट टेक द 2 power 4 इन साइड ठीक है ये वी आर डब्ल्यू वन वी आर वन पे 2 power 4 अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा सबको 2 power 4 से डिवाइड कर देना ठीक है सो सिंपली क्या होगा बताइए लेट्स इक्वेट दम ओके सो लेट्स इक्वेट दम व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट सो यू आर गोइंग टू गेट डब्ल्यू वन इंटू ओके वी आर बी फाइव डिवाइडेड बाई 2 ठीक है राइट क्लियर नेक्स्ट ये इसको भी अंदर लेके जाइए तो 2 power 4 को 2 square से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ठीक है सो सो इसको जस्ट इसे एंटायर टर्म को अंदर लेके जा रहा हूँ जस्ट मल्टीप्लाई करो सो डब्ल्यू वन वी आर बी फोर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 सो 4 आ जाएगा ठीक है प्लस दिस इज डब्ल्यू वन वी आर बी फोर डिवाइडेड बाई 4 ओके सिमिलरली डब्ल्यू वन ओके वी आर बी थ्री डिवाइडेड बाई 8 ओके डब्ल्यू वन के वी आर बी टू डिवाइडेड बाई 16 ये टर्म्स आ गए ओके प्लस लेट्स टेक द अदर टर्म्स प्लीज लेट्स टेक द अदर टर्म्स नाउ इस बार क्या करेंगे सो नाउ वी आर गोइंग टू डब्ल्यू टू इंटू वी डैक यानी ये पूरा को क्या करेंगे डब्ल्यू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है सो डब्ल्यू टू से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है और सेम चीज डिवाइड करते रहो देखते हैं क्या होता है व्हाट्स गोइंग टू हैपन सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट हियर ओके प्लस डब्ल्यू टू इंटू वी आर इंटू दिस इज बी वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा बताइए व्हाट इज दैट वैल्यू से 2 power 1/2 square ये 4 है ठीक है यानी डिवाइडेड बाई 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस डब्ल्यू टू इंटू वी आर ओके बी नॉट डिवाइडेड बाई 4 आएगा ठीक है डिवाइड बाई 4 ये चीज आया भाई नाउ इक्वेट द टर्म्स नाउ लेट्स कंपेयर ईच एंड एवरी टर्म्स सो दिस सी बेसिकली दिस इज फॉर द 6-bit डैक ये 6-bit डैक से निकाला हुआ है ठीक है दिस इज फ्रॉम द क्रिएटेड डैक ओके 4-bit 2-bit से कर रहा हूँ ठीक है सो ये पूरा चीज यहाँ से यहाँ तो VDAC 1 है W1 VDAC 1 है ये W2 VDAC 2 है इक्वेट कर रहा हूँ आई एम जस्ट गोइंग टू इक्वेट द टर्म्स नाउ लेट्स इक्वेट द टर्म्स ठीक है सो लेट्स इक्वेट द टर्म्स कैसे इक्वेट करेंगे आप देखिए सो यहाँ पे VR BR5 ठीक है VR B5 डिवाइडेड बाई 2 यानी इसका मतलब क्या हो सकता है W1 का क्या वैल्यू से आप कंपेयर कर सकते हैं यू कैन कंपेयर एवरी वैल्यू प्लीज अंडरस्टूड एवरी वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे हर वैल्यू कंपेयर करेंगे तो सिंपली यू आर गेटिंग W1 इज इक्वल टू 1 अंडरस्टूड सर कॉन्स्टेंट शुड बी 1 ओके उसी प्रकार इसको कंपेयर करते हैं लेट्स कंपेयर हियर यहाँ पे 32 होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ 2 है 32 और 2 इसका मतलब क्या होगा बताइए व्हाट्स गोइंग टू हैपन सो W2 कितना होना चाहिए बताइए W2 कितना होना चाहिए W2 शुड बी के 1/16 अंडरस्टूड 1/16 ऑब्वियसली इसको भी कंपेयर कीजिए ये 6-bit डैक का होना चाहिए ठीक है यहाँ पे 4 है सो 16 इज द फैक्टर W2 इज नथिंग बट 1/16 सो द फैक्टर W2 इज नथिंग बट 1/16 एंड W1 इक्वल टू 1 अंडरस्टूड W1 इक्वल टू 1 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टफ नहीं है बहुत ही आसान है एक और बार देखते हैं ये क्या करना चाहता है सो बेसिकली वो क्या कर रहा है बेसिकली ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ 6-bit डैक यूजिंग 1 4-bit डैक आर टू आर एंड 2-bit डैक आर टू आर दोनों में सेम वी आर दिया ठीक है फिर कैसे करेंगे हाउ विल वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले 4-bit डैक का इक्वेशन सॉल्व करो ये 4-bit डैक का आर टू आर है 4-bit आर टू आर का यही इक्वेशन है हमने सॉल्व कर दिया ठीक है यहाँ पे क्लियरली देखिए डैक में क्या जा रहा है भाई डैक में क्या जा रहा है B5 B4 B3 B2 जा रहा है ओके और क्लियरली बता रहा है कि ये पिन जो है MSB ये पिन जो LSB है फॉर द 4-bit डैक ये MSB LSB किस लिए 4-bit डैक के लिए ये वाला MSB LSB 2-bit डैक के लिए ठीक है दो अलग अलग डैक ले रहा है ना इस टेकिंग टू डिफरेंट डैक्स सो अलग अलग MSB LSB होता है ठीक है तो मैंने क्या किया सबसे पहले ठीक है 4-bit डैक का इक्वेशन लिखा 2-bit डैक का इक्वेशन लिखा नाउ क्या हो रहा है यहाँ पे 4-bit डैक दिस 4-bit डैक इज मल्टीप्लाइड बाय W1 2-bit डैक इज मल्टीप्लाइड बाय W2 दोनों को सी इज बेसिकली मेकिंग सबमेशन यहाँ पे सबमेशन कर रहा है इज डूइंग अ सबमेशन ओके तो मैंने यही चीज किया ये पूरा मिला के कैसे होना चाहिए 6-bit डैक जैसा होना चाहिए तो मैंने क्या किया सबसे पहले देखिए मैंने सबसे पहले व्हाट आई हैव डन सबसे पहले आप देखेंगे तो 4-bit डैक का हो गया 2-bit डैक का हो गया ये इक्वेशन निकाला ये 6-bit डैक का लिखा उसके बाद मैंने क्या किया दोनों को एक्सपेंड करके इक्वेट कर दिया अंडरस्टूड दोनों को एक्सपेंड करके इक्वेट कर दिया सो W1 इज इक्वल टू 1 W2 इक्वल टू 1/16 ये गुड क्वेश्चन है 2 marks के लिए गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ईसी ओके इंस्ट्रूमेंटेशन हाई प्रोबेबिलिटी ओके 60-70% प्रोबेबिलिटी अंडरस्टूड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस एक्सपेक्टिंग यू कैन एक्सपेक्ट दिस फॉर 60-70 प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम प्रॉबर्टी अंडरस्टूड आई विल से इलेक्ट्रिकल ओके द प्रॉबर्टी इज अराउंड 30-40% ठीक है बट ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन में 100 ज्यादा प्रॉबर्टी अंडरस्टूड हाई प्रॉबर्टी दट दीज मॉडल क्वेश्चन कैन बी आस्ड डैक मॉडल क्वेश्चन आर जनरली आस्ड मोर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ईसी इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम पूछता है
ठीक है, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट मोर प्रोबेबल फॉर ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ONS-EDU. ठीक है, एंड आई विल बी रेगुलरली अपडेटिंग सम गुड क्वेश्चन विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर. थैंक्स. ओके, आई एम शास्त्री. बाय.